नमस्ते, ये वैदिक मैथमेटिक्स की क्लास 3 है। आज हम लोग ज़्यादा डिविजिबिलिटी देखने वाला है। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को सम डिजिट सिखाया। ये सम डिजिट में हम लोग डिविजिबिलिटी कर सकता है, लेकिन वो थोड़ा स्पेशलाइज होता है, मतलब सब नंबर्स के साथ चलता नहीं। आज का मेथड सब नंबर के साथ आप इस्तेमाल कर सकता है। स्टार्टिंग में ये मेथड में एक नंबर की जरूर है, ये है एकाधिका। सब नंबर को एक एकाधिका होता है, ये है एकाधिका, लेकिन एक एग्जांपल में आप लोग को ज़्यादा समझ पड़ेगा। 19 एकाधिका लेने के लिए आपका नंबर को 9 से एंड करना चाहिए। इस 19 में आपका सेकंड डिजिट है 19, इसलिए आप इसका एकाधिका ले सकता है। 19 में एकाधिका है फर्स्ट डिजिट प्लस 1, इसलिए 1 + 1 = 2। हमारा एकाधिका 19 में 2 है। में सेम ही आइडिया है, ये 169 9 के साथ एंड होता है, इसलिए हम लोग ये 169 की एकाधिका ले सकता है। ये 16, ये इसका पहले दो डिजिट है 1 और 16, इसलिए हम लोग 16 + 1 करता है = 17, इसलिए ये है हमारा एकाधिका। ट्वेंटी सेवन नंबर 9 से एंड नहीं होता, इसलिए हम लोग को थोड़ा मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है इसको चेंज करने के लिए। ये 27 को हम लोग टाइम 7 करता है, ये है 27 × 7 = 189। ये 189 में लास्ट डिजिट 9 है, इसलिए हम लोग 189 नंबर का एकाधिका ले सकता है। ये 189 का एकाधिका और 27 का एकाधिका सेम ही नंबर है। 189 का एकाधिका है 18 + 1 = 19। 19 इज एकाधिका ऑफ 27। सॉरी, नाइनटीन है एकाधिका, थोड़ा मैल फंक्शन हुआ है इक्विपमेंट, कोई बात नहीं। अब आप प्लीज ये सब नंबर का एकाधिका कर लो, मैं बाद में आंसर्स बताता हूँ। ये है आंसर्स। अभी हम लोग ऑस्कुलेशन प्रोसेस करेगा। ये ऑस्कुलेशन प्रोसेस में हम लोग एकाधिका का इस्तेमाल करता है। ये ऑस्कुलेशन प्रोसेस में हम लोग जनरल डिविजिबिलिटी कर सकता है सब नंबर का। ये है ऑस्कुलेशन की एक्सप्लेनेशन, ये सब। लेकिन मुझे लगता है कि मैं अगर एग्जांपल करूँ तो आप लोग ज़्यादा समझेगा, इसलिए आप लोग ये प्रॉब्लम देख लो।
हमारा क्वेश्चन है इज 91 डिविजिबल बाय 7। पहले हम लोग को 7 का एकाधिका की जरूर है। सेवन के एकाधिका हम लोग सेवन के एकाधिका नहीं ले सकता, इसलिए हम लोग 7 times 7 करना पड़ता है और हमारा आंसर इसमें है 49। 49 नंबर 9 से एंड होता है, इसलिए ये सेवन 49 का एकाधिका लेना बहुत इजी है। 4 + 1 = 5, एकाधिका ऑफ 7 is 5। अभी अभी हमारा प्रोसेस बहुत इजी है। अब हम लोग को ये 5 एकाधिका को times 1 करना पड़ता है। ये 1 नंबर 91 से आता है, ये 91 का सेकंड डिजिट 1 है, और फिर हम लोग को +9 करना पड़ता है। ये 9 यहाँ से आता है। 5 times 1 + 9 = 14। अब आप ये 14 देखो और ये 7 देखो। हम लोग को पता है कि 7 is divisible by 14, क्योंकि 7 times 2 = 14। इसलिए हम लोग कह सकता है कि 14 is a multiple of 7। इसका मतलब है कि यस, 14 is divisible by 7, और इसलिए 91 भी 7 से डिविजिबल है। आप प्लीज ये दो रिवीजन प्रॉब्लम्स कर लो और मैं आंसर्स बाद में बताऊंगा। इसका आंसर है यस और इसका आंसर है नो। मैंने अब तक सिर्फ 2 digit number के साथ डिविजिबिलिटी किया है, अब हम लोग 3 digit number के साथ डिविजिबिलिटी करेगा। ओके, हमारा क्वेश्चन है Is 247 divisible by 19? Starting में सेम ही प्रोसेस है, ये 19 का एकाधिक है 2। अब हम लोग को ये ऑस्क्यूलेशन प्रोसेस नंबर 2 के साथ करना पड़ता है। ये 2 में हम लोग 2 times 7 करता है, स्टार्टिंग में times 7, ये times 7 यहाँ से आता है। हम लोग पहले 91 किया है और किया था और ये 1 यहाँ पे आया। अब हम लोग के लास्ट डिजिट यहाँ पे फिर आता है और यहाँ पे लास्ट डिजिट है 7। हम लोग 2 times 7 किया करता है और फिर +4, स्टार्टिंग में सेम होता है। इसका आंसर है 18, लेकिन ये 2 digit number, ये 3 digit number है, इसलिए हम लोग ये 2 के साथ भी कुछ करना पड़ता है। ये 2 के लिए हम लोग, ये एकाधिका तो 2 ही है ना, इसलिए 18 ये 2 एकाधिका को
टाइम्स 18 करना पड़ता है और फिर प्लस 2, ये 18 यहाँ पे आता है और ये 247 का 2 यहाँ पे आता है। हम लोग ये 2 नहीं, यहाँ पे नहीं, सॉरी, ये 2 यहाँ आता है, ये 2 यहाँ आता है और ये 2 एकाधिक है और ये 18 यहाँ से नीचे आता है। 2 टाइम्स 18 प्लस 2 इक्वल्स 36। इक्वल्स 38, सॉरी। अब हम लोग को देखना है कि इज 38 डिविजिबल बाय 19। हम लोगों को पता है कि 19 टाइम्स 2 इज 38, इसलिए हम लोग कह सकता है कि यस 38 इज डिविजिबल बाय 19 और 2, इसलिए 247 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 19। वो 3 डिजिट नंबर था, ये 4 डिजिट नंबर को भी सेम ही आइडिया है, बस एक और बार एक्सटेंड करना पड़ता है। ओके, हम लोग को पता है पहले प्रॉब्लम से कि 19 का एकाधिक 2 है, पहले हम लोग को पहले प्लस प्रोसेस है 2 टाइम्स 7 प्लस 1, ये 7 यहाँ से, ये 1 यहाँ से और ये 2 है एकाधिक। 2 मल्टीप्लाई विथ 7 प्लस 1 इज 15। अब हम लोग को ये प्रोसेस में ये 15 का 5, ये एकाधिक टाइम्स 2 और यहाँ पे प्लस 1, और फिर एक और प्लस 6, ये 5 यहाँ से आता है और ये 1, ये 5 से भी आता है, ये 1 यहाँ से आता है, इसलिए हम लोग 5 टाइम्स एकाधिक प्लस 1, ये 1 5 से, और ये प्लस 6, ये 6 यहाँ से आता है और इसलिए ये है हमारा सम। अभी इसका आंसर है 17, इसका आंसर है 17। अब हम लोगों को सिर्फ एक ही और नंबर का इस्तेमाल करना पड़ता है 4617 से, ये 4। अब हम लोग 7 टाइम्स 2 करता है, ये 7 यहाँ पे यहाँ से आता है और ये 2 है एकाधिक। फिर अब हम लोग को प्लस 1 करना पड़ता है, ये प्लस 1 यहाँ से आया है और अब हम लोग ये 4 ले सकता है और यहाँ पे प्लस 4 कर सकता है, इसका आंसर है 19। अब हम लोगों ने ये पूरा 4617 की इस्तेमाल कर लिया है और ये है हमारा लास्ट नंबर। अब देखना है इज 19 डिविजिबल बाय 19, और हाँ हम लोग को पता है कि 19 टाइम्स 1 इज 19, इसलिए हम लोग को कह सकते हैं कि यस
19 इज डिविजिबल बाय 4617 क्योंकि 19 इज डिविजिबल बाय 19. मुझे पता है कि ये प्रोसेस थोड़ा लंबे है, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस से आप लोग बहुत स्पीड से इस्तेमाल कर सकेगा. अब आप प्लीज ये रिवीजन प्रॉब्लम कर लो. मैंने भूल से ये यहाँ पे लिखा, आप प्लीज़ ये सम कर लो. इज 1855 डिविजिबल बाय 7. मैं अभी बताऊंगा कैसे करने का. पहले हम लोग को ये 7 का एकाधिका करना पड़ता है. 7 times 7 equals 49. ये 49 9 से एंड होता है, इसलिए हम लोग 4+1 कर सकता है, इक्वल्स 5. 5 इज एकाधिका यहाँ पे. पहले स्टेप में हम लोग को 5 times 5+5 करना पड़ता है. ये 5 एकाधिका है, एक दूसरा 5 यहाँ से आता है एंड दूसरा 5 यहाँ से आता है और ये 5 यहाँ से आता है. 5 5s 25 + 5 is 30. अब हम लोगों को नेक्स्ट स्टेप करना पड़ता है. ये 5 यहाँ से एकाधिका टाइम्स ये 3 यहाँ से टाइम्स ये 5 times 0 यहाँ पे. और अब हम लोगों को प्लस 3 करना पड़ता है यहाँ से, और ये 8 लेके यहाँ पे प्लस 8 करना पड़ता है. 5 times 0 0 है, और अब हमारा प्रॉब्लम सिर्फ है 3 plus 8 equals 11. अब ये है लास्ट स्टेप. 5 एकाधिका है, इसलिए ये 5 यहाँ पे रहने दो. अब हम लोगों को टाइम्स 1 करना पड़ता है. ये टाइम्स 1 11 से आता है, और फिर प्लस 1 करना पड़ता है. ये प्लस 1 भी 11 से आता है, और ये लास्ट 1 यहाँ से आता है यहाँ, और प्लस 1 है. 5 times 1 + 1 + 1 = 7. अब हम लोग को देखना है कि इज 7 डिविजिबल बाय 7. और हाँ, हम लोग को पता है कि 7 times 1 is 7, इसलिए हम लोग कह सकता है कि यस, 7 इज डिविजिबल बाय 7, और इसलिए
1855 इज डिविजिबल बाय 7। ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आप बस थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। ओके, ये लेसन का अंत है। आज हम लोगों ने एक और सूत्र देखा, ये है ये एकाधिक का प्रोसेस और ऑस्क्यूलेशन एक एप्लीकेशन है वन मोर देन द वन बिफोर सूत्र का, एकाधिकेन पूर्वेण संस्कृत में। हम लोगों ने वन मोर देन द वन बिफोर किया है एकाधिक लेने के लिए, क्योंकि ये 49 के एकाधिक है, ये वन बिफोर है फोर, वन बिफोर यहाँ पे फोर है, और फोर की वन मोर है फोर प्लस वन मतलब फाइव। इसलिए हम लोग कह सकते हैं क्योंकि हम लोगों ने वन मोर देन वन बिफोर किया है। ये एकाधिक है ना पूर्वे ना, याद रखो, क्योंकि हम लोग फिर इस्तेमाल करेगा स्क्वेरिंग के लिए। ओके, मेरा बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने लेसन थ्री को देखा, और मैं आप लोगों को एक वन वीक में मिलेगा फिर। बाय।